नमस्कार दोस्तों आज हम आपको मिलाएंगे द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ध्रुव ध्रुवराथी से ये अक्षर जर्मनी में बैठकर इंडिया के बारे में ज्ञान देता है इसका एक और नाम है टिकट सेलर सॉरी द मोस्ट एजुकेटेड टिकट सेलर भाई शाहब एब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको टिकट सेलर क्यों बोल रहे हैं विमल के ब्रांड एम्बेसडर यानी शाहरुख खान जी का ये उन्हीं का टिकट सेलर ये दूसरों को ज्ञान देता है एजुकेटेड होने लेकिन हमारे हिसाब से एजुकेट होने का मतलब टिकट सेलर नहीं होता ये अक्सर अपनी वीडियो में कहता है कि है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई एजुकेशन है लेकिन आजकल हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है लेकिन वही बच्चा पढ़कर इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में से एक को क्रैक करके जब समीर वांखडे जैसे ईमानदार ऑफिसर बनता है ट्वेस टिकट सेलर के और विमल के ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा ट्वेंटी फाइव की डील में फिसा के केस को डाइवर्ट कर दिया जाता है भाई समीर वांखडे जैसे इंसान को समीर सिर कहते हैं उनके आगे तू जैसे टिकट सेलर को क्या औकात है तेरे इतना एजुकेटेड नहीं है अगर तुम वह है तू आर इंडिया क्रैक करके दिखा यूपीएससी क्योंकि तू मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है हम तुमको ओपन चैलेंज कर रहे अगर तुम यूपीएससी क्रैक कर देगा हम तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे चल आगे की बात बताते हैं एस टिकट सेलर को केरला स्टोरी फेक लगती है जबकि बुद्धे एक्टर एस को जवान लगते हैं और टू और एस को जवान भी ट्रू लगी है क्योंकि सेम स्टोरी जर्मनी में हुई थी टू ये ट्रू स्टोरी हुई लेकिन एस का जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है जाके पूछ जिसके के साथ केरला वाली स्टोरी हुई फाइनली आम आदमी पार्टी के जर्मन पटलकार से कहना चाहूंगा कि टिकट सेलिंग छोड़ के कोई अच्छा कम कर समाज म अचाई फैला पल्ला है टू जर्मन शेफर्ड पाल बैनमत